नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 3.6 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आठवां सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का आठवां सवाल हम लोग जो है आज सॉल्व करेंगे। और ये जो है बहुत ही सरल तरीके से हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्मों के में बदल कर हल कीजिए, तो मतलब इस समीकरण को हम लोग को रैखिक समीकरण के युग्म में जो है बदल देना है और तब इसको हल करना है। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में हम लोग लिखेंगे माना। माना क्या माना, देखिए इसका हर देखिए 1/3x धन वाई है, और इसका भी हर देखिए तो 1/3x धन वाई इंटू टू है, माने सब मिला के 3x धन वाई इसमें भी है, 3x धन वाई है इसमें भी है। यानी कि जब इसका इसका हर बराबर दिखे, बराबर का मतलब एक कॉमन चीज़ दिखे, ठीक है, और इसमें भी हर जो है देखिए 3x-y है, और इसमें भी हर 3x-y है, यानी कि कॉमन चीज़ इसमें भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो है रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे माना कि 1/3x धन में y बराबर क्या है, तो p मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1/3x- में y बराबर अगर हम लोग q मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आराम से रैखिक समीकरण युग्म में बदल जाएगा, ठीक है। अब इस मान को हम लोग जो है इस मान को समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रति स्थापित करने पर, स्थापित करने पर, तो हम लोग जो है इस मान को हम लोग जो है इन समीकरणों में प्रतिस्थापित कर देते हैं करने पर, तो यहाँ पे जो है हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अगर हम लोग जो है 1/3x धन वाई बराबर पी लेते हैं, तो यहाँ पे समीकरण एक में अगर हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी और धन में क्यू हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 3/4, बराबर में क्या हो जाएगा 3/4। देखिए इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 आपका बन गया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 क्या बन गया, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में अगर रखा जाए तो समीकरण 2 में रखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और 1/3 को मान लेना है पी, तो इसको अगर हम लोग लिखें 1/2 और 1/3 को मान लेना है पी, तो एक है पी हो गया, आप प्लस में यहाँ पे देखिए प्लस है कि माइनस, तो माइनस है तो माइनस में लिखिए, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 1/2, और 1/3x-y को हमने लिया है क्या q, तो इसको लिख सकते हैं इंटू q, ठीक है। अब बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस में 1/8 है, तो माइनस में लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई 1 का गुणा अब पी में हो जाएगा, क्योंकि जो है गुणा करना है, तो ये जो है इसका मान पी का गुणा अंश में ही होगा, ठीक है। तो पी का गुणा अंश में हम लोग करेंगे तो 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं, और माइनस में 1/2 आई इंटू क्यू है, तो ई क्यू को क्यू का 1 में गुणा करेंगे तो क्यू 2 इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब बराबर में जो है ये हो जाएगा माइनस में 1/8, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका और इसका हर बराबर है, यानी कि 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p-q, जब हर बराबर होता है तो p में से q घटा देंगे, अब बटे में टोटल का लिख सकते हैं 2, टोटल बटे में क्या लिख सकते हैं 2, और इधर बराबर में लिख सकते हैं माइनस में 1/8, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 को इधर पक्षांतर कर देते हैं हम लोग, तो p-q बराबर इधर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 2 अब बटे में हो जाएगा 8, और ये जो है यहाँ पे लग जाएगा माइनस, ओके। अब इसको जो हम लोग काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा p-q बराबर क्या
क्या हो जाएगा, तो एक बटे चार चिन्ह माइनस का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा चार, ठीक है। अब समीकरण नंबर तीन और चार को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर तीन हम लोग देख रहे हैं कि पी धन क्यू बराबर 3/4 है, और यहाँ पे देख रहे हैं पी माइनस क्यू बराबर माइनस में 1/4 है। यानी कि समीकरण तीन और चार को जोड़ दें तो विलोपन विधि से आराम से ये खत्म हो जाएगा और ये हमारा 2p हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं समीकरण तीन और चार को जोड़ने पर, समीकरण तीन और समीकरण चार को जोड़ने पर तो समीकरण तीन और चार को जोड़ देते हैं। तो समीकरण तीन आपका है पी प्लस क्यू बराबर 3/4, और समीकरण नंबर चार क्या है, तो पी माइनस में क्यू बराबर माइनस में 1/4, ओके। अब इसको जो है जोड़ देंगे तो ये हम लोगों का जो है क्या हो जाएगा, तो पी आप प्लस पी बराबर हो जाएगा आपका 2p, और ये जो है प्लस में है ये माइनस में है तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 3/4, आ ये माइनस में है तो माइनस में लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2p है तो 2p रहेगा, और देखिए इसका और इसका हर बराबर है तो तीन में से एक घटा दीजिए, घटाना है तो तीन में से एक घटा के आप बट्टे में लिख देंगे चार, ठीक है। तीन में से एक घटा के बट्टे में लिख देंगे चार। अब यहाँ पे देखिए 2p बराबर, अब तीन में से एक घट जाएगा तो हो जाएगा दो, अब बट्टे में क्या हो जाएगा चार, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको काट सकते हैं, तो 2 × 2 और 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे 2p बराबर लिख सकते हैं 1/2। अब इस 2 को जो है हम लोग इधर लाएंगे तो p बराबर हो जाएगा 1/2 × 2, क्योंकि यह 2 जो है क्या होगा हर में ही आएगा, क्योंकि भाग में आएगा तो ये हर में ही आएगा। तो 1/2 × 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, यानी कि p का वैल्यू हो गया 1/4, ठीक है। पी की वैल्यू हम लोग निकाल दिए 1/4, आ चूँकि अब यहीं से हम लोग को जो है यक्स का मान निकल सकता है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग यक्स का मान भी निकाल सकते हैं, चूँकि हमने जो है पी बराबर लिया है क्या, यहाँ पे देखिए पी बराबर हम लोगों ने माना था 1/3x^y, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि पी बराबर क्या लिया था, 1/3x^y, y बराबर हमने लिया था p, तो बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4। तो इसको अगर हम लोग समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दें, तो समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दें तो इसको तो 4 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 4, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका अगर इसमें 1 × करें तो ये हो जाएगा 3x + y, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3x + y = 4 हो सकता है। इसको समीकरण नंबर, अब आप जो है कितना समीकरण बनाया, 4, तो इसको समीकरण नंबर 5 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब ये आराम से जो है आपका जो है x और y का मान निकालने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग इस रूप में लिख के छोड़ देंगे, और फिर अब हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे p का मान निकला हुआ है तो q का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं p बराबर 1/4 को, p बराबर 1/4 को समीकरण किस में रख दिया जाए, समीकरण p/1/4 को समीकरण जो है चार में रख देते हैं। समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण चार में रखिए, अच्छा है समीकरण नंबर तीन में रखिए, ठीक है, मान ये कहीं रख सकते हैं। तो p/1/4 को समीकरण चार में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो प्रतिस्थापित करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखिए रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो p का मान 1/4 रख दीजिए, ठीक है। हम माइनस में जो है q को q रहने दीजिए,
और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में 1/4। ओके, अब हम लोग जो है 1/4 को इधर लाते हैं, तो माइनस में क्यू रहेगा और माइनस में 1/4 और माइनस में 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं, तो माइनस में क्यू बराबर, ये जो है माइनस में 1/4 है, माइनस में 1/4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 2/4, क्योंकि एक एक जुड़ जाएगा, जब हर बराबर है तो माइनस में एक का माइनस में एक जुड़ जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, और ये 4 4 नीचे केवल हर में 4 आ जाएगा। अब ये माइनस से माइनस आप ख़त्म कर सकते हैं, और 2 कर्म 2 और 2 दूना 4 लिख सकते हैं, यानी कि क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं 1/2। और क्यू बराबर हमने जो है क्या मान पुट कर देते हैं, तो मान पुट करते हैं तो ऐसा ही निशान लगा सकते हैं हम लोग। तो अब क्यू का मान हमने मान रखा है क्या कि 1/3 3x - y, तो 1/3x - y ले लीजिए, आप बराबर लिख दीजिए 1/2। अब 2 का 1 में क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2 बराबर हो जाएगा आपका, इसमें गुणा कराएंगे 1 में क्रॉस गुणा, मैंने 3x - y का जो है क्रॉस गुणा 1 में कराएंगे, तो ये हो जाएगा 3x - y हो जाएगा। तो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 3x - y = 2। ठीक है, इसी बात को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ये समीकरण नंबर आपका हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों का जो समीकरण नंबर 5 जो है 3x - y = 4 है, और ये 3x - y = 2 है, यानी कि इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते आराम से विलोपन विधि से जो है ये वाला y वाला पद खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 5 और प्लस जो है समीकरण नंबर 6 को करने पर। ठीक है, करने पर तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, तो समीकरण नंबर आपका जो है 5 3x - y = 4 है, और समीकरण नंबर 6 आपका है 3x - y = 2। ओके, तो अब हम लोग जो इसको जोड़ देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस करते हैं तो, और 3 3 6x हो जाएगा, बराबर 4 2 6 हो जाएगा। अब जो कि 6 को इधर लाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू आपका हो गया 1, x का वैल्यू 1 हो गया। अब x के इस मान को समीकरण नंबर 6 में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि x के इस मान को समीकरण 6 में रखने पर, इधर कर लीजिए, तो लिखिए x = 1 को समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 6 है 3x - y = 2, तो यहाँ पे लिखिए 3 और x के जगह पे 1 भर देना है, और माइनस में y बराबर कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, 2। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, 3 * 1 बराबर जो है 3 हो जाएगा, माइनस में y बराबर 2, तो माइनस में y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 को इधर लाएंगे तो 2 - 3 हो जाएगा, तो माइनस में y बराबर ये जो है 2 में से 3 घट जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी आपको प्राप्त हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार x और y का मान निकल गया, x और y का मान कितना आया 1। ठीक है, तो इस प्रकार इसका फाइनल आंसर हो गया कि x = 1 और y = 1। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों यह सवाल आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसको जो है आगे बढ़ा दीजिएगा और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।